हाँ इधर आ जाइए। अरे क्या हो गया तो आप आ जाइए, सर भी आ जाएंगे थोड़ी देर में। इन्हीं लोगों को सही लगता है। शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया सब। किस तरीके से अवैध शराब की तस्करी हो रही थी, किस तरीके से बनाते थे ये लोग? देखिए, जनपद मथुरा की पुलिस को एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है, विशेषकर ये वृंदावन थाने को, जिसमें एक नकली अवैध शराब की फैक्ट्री बरामद हुई है। करीब 70 लाख से ऊपर का माल रिकवर हुआ है, जिसमें 3 4 व्हीलर्स भी हैं, ढेर सारे रैपर, कई ब्रांड्स के रैपर हैं। 77 कैन स्प्रीट बरामद हुई है, जिसमें प्रत्येक में 40 लीटर प्योर स्प्रीट है, जिससे ये लोग दारू बनाते थे। यूरिया बरामद हुआ है, ढेर सारे 10,000 से ऊपर ढक्कन बरामद हुए हैं। 10,500 के आसपास जो है खाली बोतलें बरामद हुई हैं, जिसमें इनकी भराई होती थी। भराई करने की मशीन बरामद हुई है, ढक्कन लगाने की मशीन, सील करने की मशीन बरामद हुई है। इतने सारे सामान वहाँ पे बरामद हुए हैं कि 3 ट्रक सामान हमारा भरा हुआ है। 10 मुलजिम अरेस्ट हुए हैं और 7 अभी फ़रार हैं। 7 फ़रार हैं, उनको भी हम शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। इनके ऊपर कानूनी शिकंजा हम बहुत तगड़ा कसेंगे और इनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी करने जा रहे हैं। गाड़ियों को सीज करने की कार्रवाई होगी, गैंगस्टर की कार्रवाई होगी। इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी हम तलाश रहे हैं, इनके खिलाफ हिस्ट्री शीट खोलने की कार्रवाई भी की जाएगी। इस शराब में क्या-क्या चीज़ें मिक्स करते थे, किस तरह शराब बनाया करते थे? देखिए, कलर मिलाते थे, यूरिया रखे हुए हैं और इसके बाद उस पर जो है विभिन्न कंपनियों के रैपर लगाते थे। फिर इसमें वो बार कोड ढेर सारा मिला है इनके पास, करीब 3,000 साढ़े 3,000 बार कोड मिला है। बार कोड को भी चिपकाते थे, जिससे ये प्रतीत हो कि बिल्कुल असली मतलब माल है, जिससे इसको बेचने में कोई दिक्कत ना हो। सर, जैसा पूछने में पता चल रहा है कि ये जो ठेके थे शराब के, उस पर इसकी सप्लाई करते थे सर, उन ठेके वालों पर भी कोई कार्रवाई हो रही है? अभी तक कुछ चिन्हित की जाए, क्या कार्रवाई है? नहीं, अभी हम लोग ये पता कर रहे हैं। अभी कुछ बातें पता चली हैं, लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ है। वो हमारी निगाह में है। अभी हम कार्रवाई जारी रखे हैं। ये 1 महीना से शुरू किया था, अभी 1 महीना से इन्होंने शुरू किया था और कुछ माल ये लोग बना करके सप्लाई कर चुके हैं। बाकी ढेर सारा माल बरामद हो गया है और बाकी अभी हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस के लिए सर क्या जो लिए, पुलिस के लिए क्या कुछ इनाम रखा है? एसएसपी साहब ने पूरी पुलिस टीम के लिए